एक तो वो रहा दोस्तों, ये देखिए पेड़ के बीचों बीच सीधा वो दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। अंग्रेज चले गए तो इनका कोई काम नहीं रहा, और बने भी ऐसी जगह बनाए गए हैं खेतों के बीच में जहाँ पर हल चलता रहता है, खुदाई चलती। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। आज ईवा को घर में ही नहला रहे हैं, गर्मी बहुत है और नीचे पानी भी बहुत गर्म है कुंड में, तो उस करके इसके लिए घर में ही लाया गया पानी थोड़ा सा, और घर में नहला रहे हैं इसको धूप में बढ़िया मजे से। इसने लाया अबे कोई बात नहीं, वही बुड़ू बुड़ू। आज है जी कार्निवल का सेकंड लास्ट दिन है, आज शायद 5 तारीख है, हाँ सेकंड लास्ट दिन है, कल लास्ट है। तो आज बच्चे गए हैं और ईवा की मम्मी भी गई है कार्निवल देखने, बच्चे भी गए हैं, गुन्नू भी गई है, खुशी भी गई है। तो उस करके आज पूरी पूरा दिन ईवा मेरे पास रहेगी और माता जी के पास रहेगी। मेरी तो नहीं ज़्यादा टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है, इससे एकदम से हो गया, अभी टाइम हो चुका है 3:30 के आसपास हो गया, शायद ज़्यादा हो गया है। तो दिन भर ईवा आज मेरे साथ ही थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी वो सो के, उसके बाद मैंने उसको दूध वगैरह पिलाया, थोड़ा लंच करवाया उसको, सत्तू वगैरह खिलाया भिगो के, और अब उसकी दादी के पास दे दिया मैंने उसको। अब सोने के बाद, इतना सोने के बाद वो थोड़ा फ्रेश रहती है, 1 घंटे तक तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, तब तक मैं आ जाऊंगा एक केल्टा लेकर, जो कल की लकड़ियाँ बची हुई है उनको ले आऊंगा मैं। और मेरा रास्ता वही है जो कल का था, यहीं से मैं जा रहा था कल। देखिए अभी फ़िलहाल धूप तो है लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगी, ये लगभग 15-20 मिनट की धूप है, तब तक मैं जाके आ जाऊंगा। मुझे बस केल्टा भरना है आज और ले आना है सीधा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हमारे इलाके में अंग्रेज़ों ने काफ़ी टाइम राज किया है, काफ़ी बोलते हैं कि काफ़ी अत्याचार करते थे हम पे। तो ऐसा होता था कि जो हमारे यहाँ के गांव के लोग होते थे वो इस तरह के खेत जहाँ पर आना जाना बहुत कम होता है किसी का भी, ऐसी जगह पर अंडरग्राउंड मतलब हॉल बनाते थे, छोटे छोटे हॉल कमरे टाइप बनाते थे, और उसमें मतलब जो भी छुपाने की चीज़ होती उसमें छुपा देते थे, अब खजाना भी बोल सकते हैं या खुद छुप सकते थे, ऐसे ऐसे कमरे बनाए होते थे। और जिसमें से एक मेरे सामने है यहाँ पे, तो मैं आगे निकल गया शायद, अब कहाँ से जाऊँ। चलिए रहने दीजिए, बाद में देखेंगे कभी। तो मेरा बोलने का मतलब इस एरिया में काफ़ी है वैसे, एक तो ये है मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, एक तो वो रहा दोस्तों, ये देखिए पेड़ के बीचों बीच सीधा वो दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, ये कहाँ है, ये वाला छेद है। तो टाइम के साथ साथ जो ये कमरे बने हैं ये तो मिट्टी से भर गए हैं, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तो इनका कोई काम नहीं रहा, और बने भी ऐसी जगह बनाए गए हैं खेतों के बीच में जहाँ पर हल चलता रहता है, खुदाई चलती रहती है, कहीं कुछ बीजना होता है, तो धीरे धीरे से ये मिट्टी से भर गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 2-3 फीट गहरे ही हैं, और दो तीन मुझे लगता है ऐसे और इस एरिया में है बने हुए जहाँ हम पहले जा चुके हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं इस एरिया में। तो ये है लकड़ियाँ, लेकिन दोस्तों ये इस किल्टे में नहीं आएगी, एक किल्टे से ज़्यादा ये, इसलिए मैं एक बोरी भी लाया हूँ बड़ी सी, इसमें भी भरेंगे, फिर इस बोरी को भरे हुए किल्टे के ऊपर रख के ले जाएंगे, देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा होता है। बड़ी जल्दी जल्दी से आऊँ मैं घर, मुझे लगा ईवा रो रही होगी, लेकिन नहीं, ईवा बैठी है अपनी दादी की पीठ में आराम से, ये तो सो गई। सोना होगा
इसको पता चल गया कैमरा ऑन हो गया। कम देख देख खेल ले खेल खेल इसे खेल दोस्तों टाइम हो चुका है सोने का। आज का दिन बहुत ही जल्दबाजी में निकला है, मतलब जल्दी जल्दी निकल गया है। टाइम को बिल्कुल पता ही नहीं चला आज कैसे निकल गया, क्योंकि ईवा को देखते देखते टाइम ऐसे निकल जाता है। शाम होते ही हम कमरे के अंदर घुस गए क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती है, फिर ईवा को ठंड लग जाती है, इसलिए उसको दूर वाले कमरे में तो टीवी लगा होता है, बस उसके साथ खेलने में बिजी हो जाता हूँ मैं। और कब 8-9 बज जाते हैं तो पता ही नहीं चलता उस बात का। गुन्नू की मम्मी और गुन्नू तो आ गए हैं, वैसे जल्दी आ गए थे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि घर आके खाना बनाना ये वो बहुत काम होता है उसके पास, तो ईवा मेरे ही पास थी, अभी तक सोने तक मेरे पास थी और अब जाके सोई है। अभी मैं आया हूँ, मैंने सोचा एक व्लॉग का एंड कर देते हैं किचन में जाके। ये मेरा किचन है जहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी, मतलब एंड कर रहा हूँ व्लॉग का, क्योंकि वहाँ ईवा सो गई, उसको उठ जाइए अगर मैं वहाँ बोलूँगा कुछ तो। और मुझे लगता है थोड़ी गर्मी भी होगी क्योंकि आजकल पानी कम पी रहा हूँ, हिचकियाँ आ रही है मज़ेदार से। तो ओके गाइस, अब मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।